नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। कोरोना वायरस के नाम से हर कोई दहल उठता है। कहां से कैसे हुई शुरुआत कोरोना वायरस, जिससे हर कोई चौकन्ना हो गया है। चीन से हुआ शुरुआत और हवा से तेज रफ्तार है कोरोना वायरस की। चीन में तो कोरोना वायरस तबाही मचा दी है, ऐसी तबाही मचा दी है कि कई देशों के लोग चीन में फंस गए हैं। भारत देश के अभी भी 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। अब तक चीन में मौत का आंकड़ा जो है 1800 हो गया है। 40,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और 10,000 के करीब पेशेंट गंभीर रूप से पीड़ित हैं। पिछले दिनों मुंबई के सतारा जिले की अश्विनी पाटिल मदद की गुहार लगा रही थी भारत सरकार से, जो चीन के वुहान में फंसी हैं। अब एक और भारतीय महिला की चीन के हॉस्पिटल में 24 दिनों से शव रखा हुआ है। एक हफ्ते के बाद जब सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गए थे, फिर मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हमने यहाँ पे बॉम्बे में जो हायर किया था, उन्होंने वो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं हो पाया, वो शुरू ही नहीं हो पाया ट्रांसपोर्टेशन। अब कोरोना वायरस का रीज़न है या कुछ और रीज़न है, ये मेरे को क्लियर नहीं है। मोदी जी से और गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है कि प्लीज़ जल्द से जल्द मेरी मम्मी को यहाँ पे लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करिए। बेटे ने मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मुंबई निवासी 63 वर्षीय रीता मेहरा की मौत 24 जनवरी को हुई थी। उनका शव बेटे पुनीत बहुत कोशिश किया लाने की, मगर शव नहीं ला पाया। 7 दिन तक चीन में रुके थे मगर असफल हो गए, और चीन में लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया है। पूरी गलियां, सड़कें सब सुनसान वीरान हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं आई है जिससे कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को बचा सके। चीन में कोरोना वायरस ने वैज्ञानिकों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वुहान में 24 घंटे लाशें जलाई जा रही हैं। एक कारोबारी जो चीन का है, उसने तो यहाँ तक दावा किया है कि चीन कोरोना वायरस के आंकड़े दुनिया से छुपा रहा है। कोरोना वायरस से प्रभावित है वुहान, कहा जा रहा है कोरोना वायरस से सल्फर डाई ऑक्साइड हवा में फैलना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, जो जानकारी अब सामने आ रही है वो है जैविक हथियार से पैदा हुआ कोरोना वायरस, तो वहीं चमगादड़ की बात सामने आ रही है। लेकिन चीन में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, जिन्हें शहर से बाहर ले जाकर जलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आतंकवादी से खौफनाक है कोरोना वायरस। अब तक 1700 डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े की बात करें तो 1800 मौतें बता रही हैं, लेकिन चीनी कारोबारी वेंगई ने 50,000 से अधिक मौतें बता रहे हैं। फिलहाल चीन में कोरोना वायरस से तबाही मची हुई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।